सर्विस अथॉरिटी के तहत हमारे सीजेएम सर के नेतृत्व में हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज में हमने इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको हम जागरूकता कार्यक्रम के तौर पे हमने इसका आज ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सभी बच्चों को तीन टॉपिक पे हमने एक्सप्लेन किया। एक टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, जिसमें जो आज कहीं जो क्राइम हो रहे हैं, जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो उस ऑफेंसेस के तहत कैसे उनको जागरूक रहना है और कैसे खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और अपने समाज को बचाना है, उसकी हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी, अवेयरनेस उनको प्रोग्राम्स में इन्फॉर्मेशन बताई। फिर दूसरा था इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिसमें हमने महिलाओं के अधिकारों को लेकर हमने बात किया, योजनाओं के बारे में हमको बताया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, फिर CBSE उड़ान योजना है, ये सब योजनाओं के तहत हमने उनको समझाया कि भाई आप भी पढ़िए, शिक्षित होइए और आपके समाज के भी आसपास में जो भी और वर्ग है, आपके परिवार है, उनको भी आप समझाइए और जो भी बच्चे हैं उनको भी पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहन दीजिए, इस टॉपिक पे हमने उनको बताया। और तीसरा सीनियर सिटीजन्स के ऊपर हमने उनको जागरूकता कार्यक्रम में उनको इन्फॉर्मेशन दी कि सीनियर सिटीजन्स के क्या क्या राइट है और उसके लिए उनको किस तरीके से उनके माता पिता को सेवा करनी है जो 60+ होने जा रहे हैं, किस तरीके से उनकी मदद करनी है, सेवा करनी है, इसके बारे में हमने उन सबको अवेयरनेस दिए है। एंड थैंक यू टू आवर ऑनरेबल CJM सर, जिन्होंने कोर्ट से उनका कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम में उनका नेतृत्व दिया और उन्होंने अपना स्पीच भी दिया। थैंक यू। कराड़ कॉलेज में हम आए थे डालसा के थ्रू, वहाँ पे हमने राइट्स ऑफ वुमेन एजुकेशन के बारे में बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है उसके बारे में बताया, फिर वुमेन्स की जो राइट्स है गर्ल्स एजुकेशन के बारे में हमने सब कुछ बताया, फिर हमने ये तक भी बताया उनको कि वुमेन्स के पास क्या राइट्स है, उनकी क्या क्या बेसिस पे उन लोग उनके आवाज़ उठा सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया हमने। इवन राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 में जो आई थी, उसके बारे में उनको बताया कि जो जो राइट्स है सीनियर सिटीजन्स के पास, कैसे वो उनकी राइट्स को यूज़ कर सकते है, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें जो मेंटेनेंस बोलते हैं जो वो क्लेम कर सकते हैं, इवन उनके पास राइट्स ऑफ शेल्टर, राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन अब्यूज़ के बारे में जो उनके साथ होता है काफ़ी बार, उसके बारे में हमने उनको बताया है। ऐसे संविधान से चल रहा है, आगे भी चलेगा, पर इस प्रकार से जागरूकता हम लोगों का जिस प्रकार से प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, इस प्रकार के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत थी। इसके लिए हम सिलवासा कोर्ट के सारे जो कार्यकर्ता हैं आज आए हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं कॉलेज की तरफ से, धन्यवाद। हो जाएगा तो पैसे। सो बेसिकली देयर आर नो फ्री लंचेस इन द
दुनिया में फुकट में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ गाली मिल सकता है, उसके अलावा आपको दूसरा फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। इतना गरीबी की वो टाइम पे कहाँ किसके पास होना था, सत्तर अस्सी साल पहले किस चीज का चोरी होता था, सोचिए। तो घर में खेत में क्या रखते थे लोग, अनाज। तो अनाज जहाँ